नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों में और पूछती है एक सवाल कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारी टीम पहुंची करोलबाग विधानसभा में, जहां हमने वहां के क्षेत्रवासियों से किए कुछ सवाल कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्या किया विधायक ने पिछले 5 साल और कैसा लगा आपको उनका काम। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट करोलबाग विधानसभा से। तो नाम क्या आपका? महेंद्र कुमार सोनी। महेंद्र जी कहाँ रहते हैं? यहाँ बैठा हूँ, वहीं रहता हूँ। चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे? करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल क्यों? उसने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए? क्या किया? पानी दिया, बिजली दी, सड़कें बनवा दी, गलियाँ बनवा दी, और क्या चाहिए हमें। आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। कुछ काम कराए क्षेत्र में? सारी गलियाँ बना दी और कुछ काम, हर तरह की सुविधा ही सुविधा, कोई सी काम के लिए जाओ जो भी समर्थन हो सकता है कर देते हैं वो। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 ही देंगे। क्या नाम आपका? रूपचंद। कहाँ रहते हैं? देवनगर करोल ब्लॉक। चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं जी। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे केजरीवाल जी जो काम अच्छा कर रहे हैं वैसे हो तो अच्छा है। क्या किया केजरीवाल ने 5 सालों में? 5 सालों में जैसे हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, बिजली की बहुत अच्छी सुविधा है, पानी की भी बहुत कर दिया है, तो केजरीवाल इसलिए। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है? अभी जो विधायक है एमएलए का विशेष रवि जी। काम कराए क्षेत्र में? बहुत अच्छे गलियां बनवाई हैं सारी, अच्छे सिविल लाइन डलवाई हैं उन्होंने। दूसरों कामों से? उनसे काम से बिल्कुल संतुष्ट हूं। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में 9 नंबर होने गए हैं। क्या सर आपका? अशोक बछावंदिया। जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ इसी अरे में। चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे? जरूर तरवाते भी हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, केजरीवाल जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? केजरीवाल क्यों नहीं होना चाहिए? केजरीवाल भ्रष्ट है, भ्रष्ट माने कि जैसे बच्चों की रस्म हाजा, चाहे मोदी भी हो हमें उससे तो मतलब नहीं। हमारी जो दिल्ली को देखना है ना, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। सारे केजरीवाल कर रहे थे, अपनी अपनी इच्छा है, हमारी इच्छा है जी कोई और दूसरा। इलाके का विधायक कौन है? हमारे विशेष रवि, अच्छे आदमी। काम कराया क्षेत्र में? हाँ, बहुत अच्छा काम करा है। क्या काम कराया? ये सड़कें नालियाँ वालियाँ खूब बना रहे हैं इस इलाके में। दूसरे कामों से? हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि बीजेपी का आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। सर नाम क्या सर आपका? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी कहाँ रहते हैं? देवनगर में। चुनाव आते होंगे, वोट भी करते होंगे? हाँ करते हैं। अब विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबको सुविधा दे। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी सुविधा, बहुत अच्छा। क्या किया? अच्छा अच्छा किया है, बिजली को जो जितना लिया है उतने पब्लिक को दिया है। इतने मोदी सरकार ने क्या दिया है, सारी जो है ना फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, और इसमें जो प्लास्टिक है उसके नाम से जो है सारा बेरोजगार हो रहा है, मजदूर बेरोजगार हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं है। आपके इलाके से विधायक कौन है? विशेष रवि। कभी आते हैं इलाके में? बहुत अच्छी तरह सारा वो विशेष रवि ने सारी गलियों में सड़कें वगैरह सारी बना रखी हैं, गलियों में काम हो गए, सारे काम कर रखे हैं, वो सीवर बना रखा है, पानी का सुविधा है, पानी आता है 24 घंटे, लाइट आती है, सब कुछ आता है। हाँ जी अंकल जी, आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि विशेष वो केजरीवाल जी आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम इतना किया है, जो अंग्रेजों का टाइम का था काम था ना, पड़ा हुआ था सीवर लाइन, अंग्रेजों का टाइम की थोड़ी 90 साल पहले, वो उन्होंने सारी बदल दी। अंग्रेजों के टाइम की अपनी सीवर लाइन बदली गई है? हाँ जी, अंग्रेज। अच्छा, आपके विधायक ने क्या क्या काम किया क्षेत्र में? देखो जी, गली बनवाई है, पानी का पाइप डलवाए हैं, और सीवर डलवाई हैं, ये सीवर डलवाई हैं, रोड बनवाई हैं, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं मिट्टी रोड पर रहता हूँ। चुनाव आते होंगे, वोट भी करते होंगे? हाँ जी, वोट करते हैं। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा होना चाहिए। आप भी केजरीवाल क्यों? उन्होंने काम किए जी, ऐसी बात नहीं है। क्या काम किया? यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, कैमरे लगवाए हैं, गलियाँ बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, यहाँ पे सिविल लाइन। क्या काम किया 5 सालों में? आपके हमारा सामने बहुत काम किए हैं, बहुत टाइम से लाइनें बंद थी। चुनाव आते हैं, वोट भी करते होंगे? हाँ जी। अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दिल्ली में जी केजरीवाल होना चाहिए और केंद्र में मोदी होना चाहिए। ऐसा क्यों?
जी दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है और देश के लिए मोदी कर रहा है। दिल्ली के लिए क्या किया बढ़िया केजरीवाल ने? पहले तो बिजली की समस्या थी, बहुत महंगी थी, और पानी की समस्या थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती पानी में, बिजली का भी लोगों को इतना ज़्यादा आता था कि गरीब आदमी भर नहीं सकते थे। 20 लीटर पानी फ्री करी है, 200 यूनिट बिजली फ्री करी है। ठीक है सर, कहाँ रहते हैं? यहीं देवनगर में। चुनाव आता है वोट करते हैं? हाँ जी। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? कैसा बताएं, अच्छा होना चाहिए हमारे लिए। तो 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ काम किया? क्या काम किया? अच्छा ही काम किया है। अच्छा क्या किया वो तो पूछ रहा हूँ। आप बताओ, आप तो बहुत बोल रहे, जैसे क्या बात कर रहे हो? ये बताता क्यों नहीं? आप बताओ। आप मैं क्या बताऊँ भाई, क्या किया केजरीवाल ने बहुत काम किया भाई। पानी अच्छा देता है, बिजली सही आती है, और स्कूल खुलवाया उसने, डिस्पेंसरी बनवाए हैं, बाकी भाई काम बढ़िया किया। विशेष रवि हमारा अच्छा इंसान है, गटर वटर सब बढ़िया करता है। पार्टी वर्कर हो क्या? पार्टी वर्कर नहीं, मैं किसी का नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन इतनी लंबी कहानी गा दी आपने तो भाई, जो बढ़िया काम करेगा उसी के गुणगान है। जो नहीं बात है, अब पानी आता नहीं, पहले तो पानी 5-5 दिन नहीं आता था, अब तो पानी रोज आता है, कभी गया नहीं हमारा तो भाई।